यहाँ से एंट्री गेट है जो शिवरात्रि है तो और धाम है तो अंदर चलते हुए देखते हैं, मेला वेला भी लगा हुआ है और क्राउड धीरे धीरे भीड़ हो रही है तो चलते हुए देखते हैं। तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सब कार्यक्रम हो रहा है, लग गया है दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पे। तो चलिए देखते हैं, शाम तक तो और भीड़ हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अंदर मैं चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आए। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और क्राउड ज़्यादा है, वजह से यहाँ पे भक्तजन आए हैं दर्शन करने के लिए और मैं भी आया हुआ हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हो राउंड लेगा, राउंड लेगा और आपको मेरी बाजार के लिए आ रही है। चतुष्पाणी समर्पयामि श्री विष्णुं ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः। ध्यानं ध्यानं चतुष्पाणी समर्पयामि। यहाँ पे देख सकते हो सब यज्ञ वगैरह भी हो रहे हैं, जो यज्ञ वगैरह करा रहे हैं। तो यहाँ पे 2-4 दिन पहले बुक कर लिए रहते हैं। बैकुंठ धाम बहुत बड़ा एरिया है और देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही है आप लोगों को। और वहाँ पे सामने में बैकुंठ धाम जहाँ पे भगवान जी का मेला वेला भी लगा हुआ है, मेला शाम तक चालू है, बहुत बड़ा चालू हो गया है। चतुर्भुवन कृष्णानं ओम पाद्य पादमस्य आत्मनि मुक्ति। इंडिया में क्या होता है, कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे सब जगह मार्केट लगी होती है, उसकी मार्केट लगी हुई है उसकी वजह से। और मेले वाले मिली खाती है मेला और यहाँ पे शिवरात्रि का मेन मुख्य यहाँ पे है बैकुंठ धाम पे। एरिया तो पूरा बैकुंठ धाम ही है बट शिव भगवान भी यहाँ पे हैं जो मैं अंदर से दिखाऊंगा। और सुबह से यहाँ पे देख सकते क्राउड बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये सब सामान सामग्री है जो आप शिव भगवान पे चढ़ा सकते हो। और एंट्री ये है, देखते हैं एंट्री और देखते हैं अंदर का माहौल ये कैसा है। ये देखते चढ़ाई भी है, लाइनें लगी हुई है शिव भगवान के दर्शन के लिए। बैकुंठ धाम में आपका स्वागत है। शिवरात्रि के समय में ये जो माहौल है जैसे शिवरात्रि के समय में उसको बहुत ही खूबसूरत है और देख सकते तबाही हुई है और ये भीड़ अभी पूरे आज शाम तक ऐसी रहेगा। घूम करके दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ कि बैकुंठ धाम का जो मंदिर है कितना बड़ा है। ये भी मंदिर दर्शन हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे बजरंग बली हैं, उनको भी अपन दूर से दर्शन कर ही लेते हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।
जो मैंने और लक्ष्य नाम भी कर रहे हैं। दर्शन तो हो गए यहाँ के मंदिर का और बहुत औसम था, सभी मनोकामना मेरी पूरी हो और आप सबकी पूरी हो। और चलिए देखते हैं मेला वगैरह भी देख लेते हैं, मेला भी स्टार्ट हुआ भी कि नहीं हुआ, कुछ कुछ तो स्टार्ट हो चुके थे मैंने देखा हुआ था, देख सकते हो बाहर का नज़ारा। आज में फिलहाल देखा जाए तो तबाही भीड़ होने हो रही है, सब चारों तरफ श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, क्राउड और बस बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरा शाम तक चले का कार्यक्रम है। तो मेला देखते हैं, ये जो मेला है ये ऐसे नॉर्मली मेला लगा हुआ है तो वहाँ जाने से मतलब नहीं है, दर्शन तो हो चुके हैं तो सीधे घर की ओर निकलता हूँ। और इस तरह देख सकते बैकुंठ धाम का जो माहौल है बहुत ही खूबसूरत माहौल है। फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा बताना, क्योंकि मेहनत किया उसको बनाने के लिए शिवरात्रि का, और मैं सोचा कि आप लोग भी घर बैठे दर्शन कर सकते हो अगर दर्शन नहीं किए हो। अगर मेरा चैनल किसी भी कारणवश मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धूप आँख में पड़ रहा करके आँख बंद हो जा रही है और देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लगा यहाँ पे आके, और इसी तरह का ब्लॉग बनाते रहूँगा। और मेरा अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर ले, तो मिलते हैं नेक्स्ट।